चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा, जो अभी तक आपको पढ़ा दिया है वो आपका रेडी बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे चार्ज, तो पहले चार्ज को ही हम कंटिन्यू करते हैं और जो चीज़ें हमारी चार्ज में एक दो बची हुई हैं उसे फिनिश कर लेते हैं। पहले देखो, एक इस तरीके का क्वेश्चन चार्ज में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये NCERT की प्रॉब्लम है। इस तरीके का क्वेश्चन भी चार्ज से आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये NCERT की ही प्रॉब्लम है हमारी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इफ 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट, देखो आप एक बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को निकालने से हमेशा बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है? आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही आप निकालेंगे तो हमेशा बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इफ 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, ठीक है, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, 10^9 इलेक्ट्रॉन, समझ आ रही बात आप लोगों को? एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 10^9, तो टी सेकंड में कितने बाहर निकलेंगे मुझे ये बताइए। एक सेकंड में निकल गए 10^9, टी सेकंड में टोटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे 10^9 मल्टीप्लाई बाय टी। भैया एक सेकंड में 10^9 है तो टी सेकंड में कितने होंगे, 10^9 मल्टीप्लाई बाय टी। क्लियर हो रही बात? अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से बॉडी पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास में कल हमने पढ़ा था कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला है वो ये है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, याद है ना सभी लोगों को? यही था ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। तो बेटा चार्ज की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आप लोगों को, 1 कूलम कितनी दे रखी है, तो चार्ज की जगह आप पुट करेंगे 1, एन की जगह आप पुट करेंगे 10^9 मल्टीप्लाई बाय टी, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, हो गया। हमें निकालना है टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू 1/e, ई पहुंच गया इसके अपॉन में 1/e, 10^9 को इधर लेकर जाओगे तो 10^-9 हो गया। अब मैंने आपको बताया था और आगे से आप ध्यान रखेंगे कि जो 1/e आप लोगों को दिख रहा है ना बेटा, 1/e, इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, इसकी वैल्यू है 6.25 × 10^+18 × 10^-9। ठीक है, ये जो 1/e है इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, क्या है इसकी वैल्यू, 6.25 × 10^18 × 10^-9, तो ये कितना है 10^+18, और ये कितना है 10^-9, +18 और -9 कितना हो जाएगा, 9, अरे होगा या नहीं होगा, तो कितने कितना टाइम लगने वाला है, हमें लगने वाला है 6.25 × 10^9 सेकेंड। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स को मैं पर सेकेंड बॉडी के अंदर से बाहर निकालता रहूं तो एक तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से मूव आउट करने से पॉजिटिव। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचो यार, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इतने, तो टी सेकंड में कितने बाहर निकलेंगे, 10^9 मल्टीप्लाई बाय टी। क्लियर हो रही है अच्छे तरीके से बात? हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास में फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एनी, चार्ज की वैल्यू है 1, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है इतना 10^9 मल्टीप्लाई बाय टी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इतना। समझ में आ रही बात? बस यहां से हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इतना टाइम हमारा निकल गया 6.25 × 10^9 सेकेंड। इतने सेकेंड में बॉडी के ऊपर 1 कूलम का चार्ज क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, 1 कूलम का चार्ज बॉडी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, नोट कर लीजिए आप जल्दी से इसे। ठीक है,
तो भैया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। कर लोगे ना, सभी लोग कर लेंगे। पूरा आंसर निकाल दिया मैंने आपके सामने, 6.25 × 10⁻¹ सेकेंड। ठीक है, चलिए अब ये वो क्वेश्चन है जिसकी हम कल बात कर रहे थे कि भाई 5 मार्क्स में जनरली ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कैसे आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्पेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। ठीक है, बिना टच कराए आप किसी मेटल स्पेयर को पॉजिटिवली चार्ज कैसे करा सकते हैं, तो 4 स्टेप बनाकर मैं पूरी बात आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा हमारे पास में। स्टेप नंबर 1, ऑलरेडी हमारे पास में एक स्पेयर है गिवन, इसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और मैंने यहां पर एक दूसरा स्पेयर रखा बी, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। एक स्पेयर पर नेगेटिव चार्ज है, बी स्पेयर पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसमें कोई चार्ज है ही नहीं, या जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, जितना इसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही क्या है। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव रेंडमली फैला पड़ा है इसके अंदर, समझ में आ रही बात। बताओ ये नेगेटिव इसके अंदर पॉजिटिव भी है, इसके अंदर नेगेटिव भी है, उस पॉजिटिव नेगेटिव में से कौन से चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव। तो इस स्पेयर के बन जाएंगे 2 पार्ट, स्पेयर के 2 पार्ट आपके सामने बन जाएंगे। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ये नेगेटिव, इसके नेगेटिव पॉजिटिव में से पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव को अपने से क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। बताइए पहला स्टेप सभी लोगों को समझ में आया नहीं है, नेगेटिव ने किसे अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 2, देखो स्टेप 2 में क्या होने वाला है, यह है अपने पास में स्पेयर, ये वाला मैं बी वाला स्पेयर दिखा रहा हूं, अब ए स्पेयर को मैं नहीं दिखा रहा हूं। यहां कैसे चार्ज है भैया, यहां कैसा है, ठीक है। हमने क्या किया, इसके इस वाले किनारे को अर्थ से कनेक्ट करा दिया। ठीक है, ये बताइए क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, कौन सा चार्ज इसके ऊपर लेकर आना है, पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है। तो पॉजिटिव चार्ज को हमने कनेक्ट नहीं कराया, जो चार्ज हमें लेकर आना है उसे कनेक्ट नहीं कराया, उसके अपोजिट चार्ज को हमने अर्थ के साथ कनेक्ट करा दिया। अब आप बताइए यहां कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो यहां का जो पोटेंशियल होगा ना, पोटेंशियल वो भी नेगेटिव होगा। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा होता है 0। ठीक है, नेगेटिव और 0 में से बड़ा कौन है, 0 बड़ा है, तो 0 हो गया हायर पोटेंशियल पर, नेगेटिव हो गया लोअर पोटेंशियल पर। बेटा करंट जो फ्लो होती है ना, हमेशा करंट वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट अर्थ से निकलकर इधर जाएगी। अगर करंट अर्थ से निकलकर इधर जाएगी तो यहां पर जितना भी नेगेटिव आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पूरा नेगेटिव, ये जितना भी नेगेटिव आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा नेगेटिव इस वायर का यूज करते हुए, यहां से कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, तो कौन सा चार्ज बचेगा स्टेप 3 में, इस बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ कैसा चार्ज बचेगा, और वो पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा। इस तरीके से हम किसी बॉडी को बिना टच कराए, विदाउट टचिंग इट, टच तो नहीं कराया, अबे टच कराया क्या यार, इन दोनों बॉडी को टच तो नहीं कराया आपस में, बिना टच कराए हम उस बॉडी पर कैसा चार्ज लेकर आ गए, पॉजिटिव। देखो मैं एक बार और बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए ए बॉडी पर कैसा चार्ज है, बी बॉडी पर कैसा चार्ज है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कोई चार्ज नहीं है बी वाली बॉडी पर, ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। जैसे ही हम बी वाली बॉडी को ए वाली बॉडी के नजदीक लाकर रखेंगे तो बी वाली बॉडी पर दोनों मौजूद हैं, वैसे तो हिडन है लेकिन अंदर मौजूद है, समझ में आ रही बात। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी इस बॉडी पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे, दो एंड बन जाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये कंडीशन हमारे पास में बन गई। हमें कौन सा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव जो हमें चाहिए उसे अर्थ से कनेक्ट नहीं करना है, उसके अपोजिट वाले को कनेक्ट करना है। नेगेटिव वाले को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव चार्ज तो पोटेंशियल भी नेगेटिव, अर्थ का पोटेंशियल ऑलवेज 0। अब मुझे आप ये बताओ 0 और नेगेटिव में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, 0 क्या हो गया हायर, बताइए हुआ या नहीं हुआ, और नेगेटिव कैसा हो गया हमारा, लोअर हो गया, नहीं हो गया लोअर,
करंट हमेशा फ्लो होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट फ्लो होगी यहां से यहां, अगर करंट यहां से यहां फ्लो होगी तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाते हुए कहां चले जाएंगे, अर्थ में, और ये सारा पॉजिटिव पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा। इस तरीके से बिना टच कराए आप किसी बॉडी को क्या कर देंगे, पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। बताइए क्लियरली समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से स्टेप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग। मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन जितना मैंने पढ़ाया है ना उसमें से बीच में से मैं कुछ भी आप लोगों को देकर आपका टेस्ट ले सकता हूँ रैंडमली, तो आप ध्यान रखिएगा ठीक है। दो दिन तीन दिन तक जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा तो 10 मिनट का 15 मिनट का आपका टेस्ट हो सकता है, तो अपना बिल्कुल अच्छे से पीछे का तैयार करके रखिएगा ठीक है, जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं हम। ये जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ना हर एक सैंपल पेपर आपका कवर हो जाएगा इससे, हर एक सैंपल पेपर, सारे प्रीवियस ईयर कवर हो जाएंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी आपकी, सारी डेरिवेशंस कवर हो जाएंगी, पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा ठीक है, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर से। ये हो गया, बढ़े आगे, लेकिन इतना ध्यान रखना एक क्वेश्चन दो बार नहीं बताऊंगा मैं, अगर क्वेश्चन कोई रिपीट आ गया तो एक ही बार बताऊंगा, तो एक बार समझ लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं, अभी कूलम्स लॉ नहीं करना है आप लोगों को ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, डज मास ऑफ ए बॉडी गेट अफेक्टेड ऑन चार्जिंग, 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है बेटा ये। वो नहीं करना है, जितना मैं कह रहा हूँ बस उतना करना है ठीक है, नहीं कंडक्टिंग नहीं करना है, फ्रिक्शन नहीं करना है। नंबर वन, Does mass of a body get affected on charging? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखना है आप लोगों को, इफेक्ट होगा या नहीं होगा। भाई कल हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम दो बॉडीज को रबिंग कराएंगे, एक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पर गेन होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तुम एक बात बताओ यार, अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से इसका मास कम हो गया या नहीं हो गया, और इस पर अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो इसका मास क्या हो गया, बढ़ गया। तो तुम बताओ जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आने से मास क्या हो गया उसका, कम, और जिस पर नेगेटिव, जिस पर गेन होंगे उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज आने से मास क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इसका आंसर सिर्फ इतना होगा, पहला इसका आंसर होगा यस, और उसके बाद में होगा जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी उसका मास डिक्रीज होगा, और जो बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन करेगी उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिर्फ एक लाइन में आप लोगों को इसका आंसर देना है, पहले लिख दीजिएगा यस, और जो बॉडी, लिख दीजिएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आने से मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मास कम हो जाएगा ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आने से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के गेन होने से मास क्या हो जाएगा, मास बढ़ जाएगा ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आने से मास डिक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज आने से मास हमारा इंक्रीज होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके गुड, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन यार मतलब ऐसा है कि सीबीएसई बोर्ड, पता नहीं क्या सीबीएसई बोर्ड वाले को इसे मोहब्बत है क्वेश्चन से कम 10 बार सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स के अंदर, तो लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए आपके सामने, है बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है। व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ठीक है, लेकिन इसने जो आंसर दिया है हम वो आंसर नहीं देंगे इसका, क्योंकि हो सकता है कि सबके आंसर अलग अलग बन सकते हैं, हमारे अप्रोच से इसका आंसर क्या बनेगा ठीक है। एडिटिव नेचर है इसका, मतलब Q1 प्लस Q2 को चार्ज को जोड़ना हो गया, लेकिन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है अगर Q2 को उधर ले जाएं तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया है, माइनस Q2 ठीक है।
देखो इसके ना Q1 प्लस Q2 इक्वल टू जीरो के तीन आंसर बनते हैं सही तरीके से, मैं आपको बताऊं तो। थोड़ा सा याद करिए, कल हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, वहां Q1 प्लस Q2 जीरो था या नहीं था, तो इसका एक तो मतलब हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी बात, हम चार्ज को आपस में जोड़ सकते हैं, उसका मतलब होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, क्या होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा, Q1 इज इक्वल टू माइनस के Q2, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज है तो जस्ट दूसरा उसका कैसा चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा है, नेगेटिव है। तो इसके तीन मतलब बनते हैं, वन मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आप इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लोगों को सबसे आसान दिखता है, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। इसके तीन मतलब है, नंबर वन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, ओके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। नंबर टू एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। और नंबर थ्री इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, क्लियर है ना। लिखना तीनों में से एक ही है आप लोगों को, लेकिन लिख कोई भी सकते हैं आप लोग, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और क्या है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इन तीनों को यह रिप्रेजेंट करने वाला है। क्लियर, एनी डाउट? ओके, एक छोटी सी प्रॉब्लम बस और है, खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस पर एनसीईआरटी लिख लीजिएगा आप, इसे नोट करके क्वेश्चन को एनसीईआरटी लिख दीजिएगा। ये चार्ज के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, चार्ज फिनिश हो गया आपका, ठीक है। चार्ज से अब क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, बोलूं? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है चार्ज का। क्या है प्रॉब्लम? अगर कॉम्ब को हम अपने हेयर के ऊपर इस तरीके से रबिंग कराते हैं तो कॉम्ब क्या करता है, कॉम्ब को छोड़ दो यार, पेन की अगर मैं बात करूं, पेन को अगर मैं रबिंग कराऊं तो ये पेन पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर देगा। यानी ऐसे रबिंग कराने से हो सकता है कि इस पर पॉजिटिव आ गया हो और मेरे हेयर के ऊपर क्या आ गया हो, नेगेटिव आ गया हो, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर यही काम हम रेनी सीजन में कराएंगे, रेनी डे में कराएंगे, तो तब ऐसा नहीं होता है, तब इस तरीके का अट्रैक्शन काम नहीं करता है। कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ड्राई कंडीशन में, ड्राई डे की कंडीशन में हम कराते हैं, पूरी तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से ड्राई है, ठीक है। और अगर मैं कराता हूं इस काम को तो फ्रिक्शन जो काम करता है ना बेटा, फ्रिक्शन हेयर के और कॉम के बीच में, वो सही तरीके से काम करता है, ठीक है। उस कंडीशन में जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होता है, फ्रिक्शन सही तरीके से काम करता है, और फ्रिक्शन के सही काम करने की वजह से एक बॉडी पर आ जाता है पॉजिटिव और दूसरे पर आ जाता है नेगेटिव, और वो पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यही काम अगर हम रेनी सीजन में कराएंगे तो रेनी सीजन में दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन काम कम करेगा, फ्रिक्शन काम कम करेगा, और फ्रिक्शन के कम काम करने की वजह से बॉडी के ऊपर सही तरीके से पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा। और अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो पीसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, समझ में आ रही बात। तो इसका एक सीधा सा आंसर है बिल्कुल, अगर हम ड्राई कंडीशन में इस काम को करेंगे तो ज्यादा फ्रिक्शन काम करेगा, जिससे कि ज्यादा चार्ज दोनों के ऊपर डेवलप होगा। और अगर रेनी सीजन में या रेनी डे की कंडीशन में मैं ये काम करूंगा तो फ्रिक्शन कम होगा, समझ में आ रही बात आप लोगों को। और फ्रिक्शन अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि प्रॉपर चार्ज जितना आना चाहिए उतना चार्ज नहीं आ पाएगा, और अगर उतना चार्ज नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, उतना चार्ज अगर नहीं आ पाएगा तो वो अट्रैक्शन भी नहीं दिखाएगा, समझ में आ रही बात। ये सारा खेल किसका है बेटा, फ्रिक्शन का है। फ्रिक्शन ज्यादा, ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, सही तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा। फ्रिक्शन कम होगा, समझ में आ रही बात। देखो चार्ज डेवलप होने के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है। फ्रिक्शन होगा तभी तुम दो चीजों को ऐसे रबिंग कराओगे, तभी एक पर पॉजिटिव आएगा दूसरे पर नेगेटिव आएगा। कम फ्रिक्शन होगा तो इस तरीके से चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो आप लिख दीजिएगा ड्यू टू लो फ्रिक्शन, ड्यू टू लो फ्रिक्शन प्रॉपर चार्ज डज नॉट प्रोड्यूस ऑन कॉम्ब, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि ये हमारा चार्ज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ चार्ज फिनिश। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन करा दिए वो आपको हर समय तैयार होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। उनमें नहीं, रेनी सीजन में क्या होगा, मॉइस्चर होगा नहीं होगा,
मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, अगर तुम किसी दो आगे समझ में लिक्विड डाल दो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है उनके बीच में, ठीक है, पानी से फ्रिक्शन कम हो जाएगा उनका, और ड्राई कंडीशन में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। हाँ ठीक है, अरे ठीक है भाई, चार समझ चुके हो तो दो नंबर तुम्हारे तैयार हो गए, बस ये समझ लो कि चार जिस बार दो नंबर का है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है ठीक है, आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी बात लिख लो कि चार्ज को जिस डिवाइस से हम मेजर करेंगे उस डिवाइस का नाम है वोल्टामीटर, वोल्टामीटर और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस का नाम है वोल्टामीटर और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वोल्टामीटर और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, वोल्टा कभी वोल्टमीटर लिख दो, वोल्टामीटर है। ठीक है, वोल्टामीटर और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्लियर, बढ़े आगे, ओके। चलिए चार्ज का काम फिनिश, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दो अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए देखिए, देखो भाई, एक चार्ज है अपने पास में प्लस क्यू वन, दूसरा चार्ज है अपने पास में प्लस क्यू टू, या अपने पास में एक चार्ज है प्लस क्यू वन और दूसरा चार्ज है माइनस के क्यू टू। ये दोनों प्लस प्लस हैं, ये करेंगे एक दूसरे को रिपेल, प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रही बात, प्लस प्लस या माइनस माइनस, यानी लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। माना कि इनके बीच की सेपरेशन हमें दे रखी है स्मॉल आर, क्या दे रखी है, उस कंडीशन में इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू होगी बच्चों ये 1/4πε₀, ये होता है हमारा कांस्टेंट, क्या होता है, साथ में होता है Q1 यानी एक चार्ज, Q2 यानी दूसरा चार्ज, और अपॉन होता है R2। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 इंटू Q2 अपॉन R2। ये जो 1/4πε₀ आपको दिया है बेटा, इसकी वैल्यू होगी 9×10⁻¹, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। 4 और पाई से तो आप पहले से आप 4 और पाई को जानते हो, ये आप लोगों के लिए नई चीज है। इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू होगी 8.85×10⁻¹². यूनिट का उल्टा कर दो, कूलाम की पावर -2 है तो कूलाम की पावर +2, न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। ठीक है, समझ आ गई बात आप लोगों को, दो चार्ज के बीच में इतना फोर्स काम करेगा, इसकी वैल्यू इतनी है, Q1 एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, और R है उनके बीच की सेपरेशन। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर दो चार्ज के बीच में एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है हमारे पास में Q2, अगर दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ जाता है, मीडियम ऐसे ऐसे कोई मीडियम, हमने दोनों चार्ज के बीच में कोई मटेरियल को फिल करा दिया, तो मटेरियल फिल कराने से यानी मीडियम फिल कराने से चार्ज की जो स्ट्रेंथ है, चार्ज की जो वैल्यू है, वो हल्की सी कम हो जाती है। ये चार्ज काम कर रहा था आपका एयर में, कहाँ काम कर रहा था, समझ में आ रही बात आप लोगों को। अच्छा, मीडियम को फिल कराने से, मीडियम को फिल कराने से जो फोर्स होगा वो एयर के फोर्स का 1/k टाइम्स होगा बेटा। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर हमने दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम फिल करा दिया तो मीडियम में फोर्स कम काम करेगा और एयर में फोर्स ज़्यादा काम करेगा। समझ में आ रही बात। मान लो दो चार्ज थे, पहले वो दो चार्ज एयर में रखे थे, हमने उन दोनों चार्ज को उठाया और वाटर के अंदर इमर्ज्ड करा दिया, पानी के अंदर डुबो दिया हमने उसे। आप लोगों से पूछा गया कि भाई बताओ ज़्यादा फोर्स कहाँ काम कर रहा था, जब दोनों चार्ज एयर में थे तो उनके बीच में एयर थी, जब हमने दोनों चार्ज को उठाकर लिक्विड के अंदर इमर्ज करा दिया तो उनके बीच में लिक्विड है, मीडियम आ गया है ना उनके बीच में, तो मीडियम आ जाने से फोर्स की वैल्यू हल्की सी कम हो जाती है। ठीक है, मीडियम में फोर्स कम काम करेगा और एयर में फोर्स ज़्यादा काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखिए, आप लोगों से ये कहा कि दो चार्ज हैं और जब वो दोनों चार्ज एयर में हैं तो उनके बीच में काम कर रहा है 100 न्यूटन। कितना काम कर रहा है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। हमने दोनों चार्ज को उठाया और दोनों चार्ज को उठाकर एक ऑयल के अंदर इमर्ज करा दिया, ऑयल के अंदर,
ठीक है, उस ऑयल के लिए के की जो वैल्यू है वो 10 है। के का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अभी तुम डाई इलेक्ट्रिक को भूल जाओ, तुम सिर्फ कॉन्स्टेंट को ध्यान रखो कि के का मतलब कॉन्स्टेंट है, और ये कॉन्स्टेंट हर लिक्विड के लिए फिक्स होता है। बिल्कुल समझ में आ रही बात आप लोगों को। हमने दोनों चार्ज को उठाकर लिक्विड में डुबो दिया, लिक्विड में डुबोएंगे तो फोर्स हल्का सा कम हो जाएगा, और लिक्विड में फोर्स निकालने का तरीका क्या है, लिक्विड में फोर्स निकालने का तरीका है एयर के फोर्स को के से डिवाइड कर दीजिए। के का मतलब है कॉन्स्टेंट। बताइए एयर का फोर्स कितना है आपके पास में, 100, और के की वैल्यू कितनी है 10, डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10 न्यूटन। समझ में आ रही बात, जो फोर्स एयर में 100 न्यूटन काम कर रहा था लिक्विड में जाने के बाद में, वही फोर्स मात्र कितना काम कर रहा है, सिर्फ 10 न्यूटन काम कर रहा है। समझ में आ रही बात, यानी लिक्विड में डुबोने से फोर्स की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो बेटा ऐसा है, जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास में कूलम्स लॉ का बिटवीन टू चार्जेस, वो इतना है 1/4πε0। अब मैं कहीं नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा 1/4πε0 की जगह लिखूंगा 9×10⁻¹। ठीक है, Q1 एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, और R है उनके बीच की सेपरेशन। R क्या है, उनके बीच की सेपरेशन। क्लियर हो गई ना बात आप लोगों को। और मीडियम में फोर्स कम काम करेगा, और एयर में फोर्स कहां काम करेगा, कहां काम करेगा, मीडियम में ज्यादा फोर्स काम करेगा या कम काम करेगा, कम, और एयर में। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा फास्ट। आ गया समझ में सभी लोगों को, करें स्टार्ट आगे। कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा आप हमें, जहां भी तुम्हें प्रॉब्लम नजर आएगी। ठीक है, मतलब मैं स्टार्ट तो मैंने बेसिक लेवल से ही किया है, अब हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है या प्रीवियस ईयर में आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, रफ कर दूं इसे, देखो बाप। नहीं नहीं उसे नहीं पढ़ना, पार्शियली फिल्ड की नहीं पढ़ना। अरे ऐसे अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ाने लगा तो 10 महीने लग जाएंगे रिवीजन में यार। उतना ही पढ़ना है जितना हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए है, वो क्या तो उसमें आता है, जेई में आता है या उसमें आता है, एडवांस में आता है, नीट में भी नहीं आता है वो। चल ठीक है, देखो भाई आगे ध्यान से बच्चों। कंडीशन हमारे पास में यह है बेटा, यह है 2 ग्राम इसका मास, और इसका मास है 5 ग्राम। ठीक है, इसका चार्ज हमें दिया है +2 μC, इसका चार्ज हमें दिया है -6 μC, इनके जो बीच का गैप है वो दिया है 10 cm। समझ में आ रही बात, एक तो मुझे इसका एक्सीलरेशन बताना है कितना होगा, और एक मुझे इसका एक्सीलरेशन बताना है कितना होगा। ठीक है, आजकल बोर्ड में इस तरीके के सवाल बड़े ट्रेंडिंग में है, कॉमन क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए, अब ज्यादातर इस तरीके के सवाल आएंगे, एक्सीलरेशन बताना है आप लोगों को। अब कैसे बताएंगे जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए इस बॉडी पर कितना चार्ज है, +2 μC, इस पर कितना है, तो ये +2 अट्रैक्ट होगा इस तरफ होगा, और -2 हमारा अट्रैक्ट होगा इस तरफ, क्यों भाई होगा या नहीं होगा, प्लस माइनस की तरफ जाएगा, माइनस प्लस की तरफ जाएगा। तो देख लेते हैं कि इनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा, 9×10⁹, ये किसकी वैल्यू है, 1/4πε0 की वैल्यू है। एक बॉडी का चार्ज कितना है 2, इसका मतलब है माइक्रो, 10⁻⁶। ठीक है, और ये कितना है 6, माइनस नहीं रखना है आपको, कभी भी ध्यान रखेगा फोर्स निकालते समय प्लस माइनस का यूज नहीं करना है। ये हो गया 6×10⁻⁶, और ये है 10 cm,
सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 10 × 10^-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? ये वैल्यू 1/4πε0, ये Q1, ये Q2 और ये इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। जरा फटाफट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा। ठीक है, 6 × 2 = 12, अरे आएगा भाई, और 12 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 108। −6 और −6 −12 −12 और +9 10^-3, ठीक है, यही आएगा। ओके, ये 10 है, ये 10^-2 है, ये 10^1, ये 10^-2, तो 10^-1 बचेगा मल्टीप्लाई करने से, +1 और −2 ऐड हो जाएगा 10^-1। 10^-1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10^-2। −2 को ऊपर ले जाओ, 108 × 10^-3 × 10^+2, सो फोर्स इज इक्वल टू 108 × 10^-1, सो फोर्स इज इक्वल टू 10.8 न्यूटन। आ गया इतना फोर्स, कोई परेशानी किसी को? इतना फोर्स काम कर रहा है इनके बीच में, लेकिन हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें तो एक्सिलरेशन चाहिए। देखो, इतना ही तो फोर्स काम कर रहा होगा यहां पर, और बिल्कुल इतना ही फोर्स काम कर रहा होगा यहां पर। आप क्या करोगे बेटा, इस फोर्स को इसके मास इंटू इसके एक्सिलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर रखोगे। आप पढ़ चुके हो पहले ही F=ma, पढ़ चुके हो ना, तो फोर्स को हम इक्वल रखेंगे मास इंटू एक्सिलरेशन, यानी F=ma1 रख दिया हम लोगों ने। फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 10.8, इसका मास कितना है 2 ग्राम, 2 × 10^-3 और साथ में है A1, हो गया साथ में A1। क्या निकलेगी हमारी यहां से A1 की वैल्यू, देखो ग्राम को मैंने किलोग्राम में बदल दिया, सो A1 इज इक्वल टू 10.8 / 2 × 10^-3, आंसर आ गया m/s². लो भैया सॉल्व कर लेना इसे ध्यान से, बिल्कुल ये पहली बॉडी का एक्सिलरेशन निकल गया। हमने फोर्स को इक्वल किसके रखा, ma के, मास इंटू एक्सिलरेशन के, और वहां से हमने निकाल दिया a1। अब अगर हमें दूसरी बॉडी का एक्सिलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, बताओ भाई क्या करेंगे जल्दी से, दूसरी बॉडी का अगर एक्सिलरेशन निकालना है तो इस बार फोर्स को किसके इक्वल रखेंगे, m2 a2। बताओ a2 कितना आएगा, 10.8, दूसरी बॉडी का मास कितना है 5 ग्राम, किलोग्राम में बदलोगे तो ये आ जाएगा और आंसर बनेगा m/s². लो भैया ये दूसरी बॉडी का एक्सिलरेशन, ये पहली बॉडी का एक्सिलरेशन, क्लियर? पहले हमने फोर्स निकाला, फोर्स को एक बार बराबर रखा इसके मास इंटू इसके एक्सिलरेशन के, और फिर बराबर रखा इसके मास इंटू इसके एक्सिलरेशन के, तो ये निकल गया हमारे पास में a2। एक निकल गया a1, एक निकल गया a2, क्लियर? कहां पर, क्यों, कहां पर है माइक्रोकूलम, रख दिया था यहां पर 2 × 10^-6। हाँ भाई, हो गया बच्चों, समझ चुके हो? ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो इससे पूछी जाएगी इस तरीके की। तो इसमें ना दोनों तरीके के एग्जांपल हो गए आपके, फोर्स निकालने वाला भी हो गया और एक्सिलरेशन वाला भी हो गया। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आप ध्यान रखें इस प्रॉब्लम को। बढ़ जाऊं मैं आगे अब? ठीक है, देखो नेक्स्ट, सबने नोट कर लिया ना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट करते रहना, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होंगी जो आप लोगों को अभी पता चलेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। देखिए, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला ही क्वेश्चन है बिल्कुल एनसीईआरटी का। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप आराम से बना दोगे, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या दे रखा है क्वेश्चन, जरा ये बताइए आप हमें, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर। हाँ भाई, इसका चार्ज भी कैसा है, प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस ही होगा, और इसका भी कैसा है, प्लस। कितना है इस वाले का, कितना है, +2 × 10^-7 कूलम्ब। ठीक है,
और इसका कितना है प्लस 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है भाई 30 सेंटीमीटर। अरे कितनी है 30 सेंटीमीटर। निकाल पाओगे फोर्स को? बताओ मुझे क्या आंसर आएगा जल्दी से। अभी पढ़ाया हमने आपको जस्ट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2 / r². ठीक है, कितना आया 6 ही आएगा, 6 × 10³ भाई यही आ रहा है फोर्स इन एयर आ गया। या मैं करके दिखाऊं कैलकुलेशन भी, सबका हो गया? सेंटीमीटर को मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना, गलती मत करना ठीक है। अबे आदित्य कितना मुंह चलाएगा यार, जब से तेरा मुंह चल ही रहा है ठीक है, बंद कर इसे मूर्ख। निकल गया भाई हमारा फोर्स एयर में। अगर इसी क्वेश्चन में आपको यह कहा जाता कि आपने इन दोनों बॉडीज को उठाया और उठाकर लिक्विड में डिप करा दिया, लिक्विड में इमर्ज करा दिया, लिक्विड का नाम है मान लो वॉटर है वॉटर, और वाटर के लिए जो के की वैल्यू है वो है 81। कितनी है? हमने इन दोनों बॉडी को उठाया सेम टू सेम, चार्ज सेम रखा, उनके बीच का गैप सेम रखा, बस दोनों बॉडीज को यहां से उठाकर लिक्विड में डुबो दिया। तो बताओ लिक्विड में यानी वाटर में डुबोने के बाद में कितना फोर्स होगा इनके बीच में? हम कहेंगे फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय 81 डिवाइडेड बाय के। के की वैल्यू क्या है 81। समझ चुके हो सभी लोग? बताओ एयर में कितना फोर्स निकाला है तुमने 6 × 10⁻¹⁰। यहां रखोगे यहां 6 × 10⁻¹⁰ और किससे डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा फोर्स इन वाटर। सो फोर्स इन वाटर 6 × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाय 81 न्यूटन आंसर। ठीक है, लो माइनस 3 कर दिया भाई हमने, 81 से डिवाइड किया ये निकल गया फोर्स इन वाटर। जल्दी बताइए समझ आ गया? कोई परेशानी? शिवांक क्लियर है ना? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, जहां जहां जो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वैसे वैसे अपनी कॉपी के अंदर ना नोट करते रहना। चलिए नोट करिए क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2। ओके करें क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप इसे। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू, शो दैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम।
पहले तो आप इस वर्ड का मतलब समझिए कि फिजिक्स में इस वर्ड का मतलब क्या है। बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि टोटल फोर्स जो काम कर रहा है ना वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का फिजिक्स में मतलब यह है, जहां भी फोर्स वगैरह की बात होगी, कि उस पॉइंट पर या उस चार्ज पर जो टोटल फोर्स काम कर रहा है वो हमारा जीरो के इक्वल है। किसके इक्वल है? अब हम एक रफ स्केच बनाते हैं, जिस तरीके की लैंग्वेज हमें कही गई है उसके अकॉर्डिंग एक रफ स्केच बनाने का प्रयास करते हैं। एक चार्ज हमें दिया है प्लस कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज भी हमें दिया है प्लस कैपिटल क्यू, और इनके बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर यहां हमें एक चार्ज दिया है स्मॉल क्यू। ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जैसा क्वेश्चन में दे रखा था एज इट इज मैंने यहां नोट कर दिया। ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आर, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई आर। तुम r/2 भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है तुम कैसे करना चाहते हो। समझ में आ गई बात? बताओ कोई परेशानी है कि किसी को? लैंग्वेज के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन बनाई, इसके दोनों कॉर्नर पर प्लस क्यू है और बीच में है स्मॉल क्यू, ठीक है। उसने कहा कि पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए। अब आप एक काम करोगे, जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, हम आगे भी इस तरीके की कई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप एक चार्ज आपको ये दिखाई दे रहा है, सिस्टम में एक चार्ज तो ये है और सिस्टम में एक चार्ज ये है, इन दोनों किनारों में से कोई भी एक चार्ज को आप पकड़ लीजिए, दोनों में से किसी एक चार्ज को आप उठा लीजिए। मान लीजिए कि मैंने ये वाला चार्ज उठा लिया भैया, ये वाला प्लस क्यू, ठीक है। तो देखो इस प्लस क्यू पर एक तो इसकी वजह से फोर्स काम करेगा, एक इसकी वजह से। बेटा ऐसा है, लिखना बंद करो, ध्यान से यहां देखो कैसे करेंगे। स्मॉल क्यू है हमारे पास में प्लस, ये स्मॉल क्यू भी प्लस, ये कैपिटल क्यू भी प्लस, तो ये प्लस इस प्लस को करेगा रिपेल इस डायरेक्शन में, बताओ करेगा या नहीं करेगा। और इन दोनों के बीच में कितना फोर्स काम करेगा, इन दोनों के बीच में ये काम करेगा 9×10^9। ये चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू। ये चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। और इनके बीच का गैप कितना है? आर स्क्वायर। बताइए समझ में आया नहीं? मैंने क्या तो ये कॉर्नर पकड़ना है या ये कॉर्नर पकड़ना है, और इस कॉर्नर पर इसकी वजह से इतना फोर्स काम कर रहा है। अरे आ गया समझ में? इस पर तो हमें फोर्स निकालना है, किसकी वजह से निकालना है? इन दोनों की वजह से, एक की वजह से हम निकाल चुके हैं, अब बारी है दूसरे वाले की। बताइए दूसरे वाले की वैल्यू क्या है? प्लस कैपिटल क्यू। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। अरे भाई है या नहीं है? तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अगेन क्या करेगा? रिपेल, इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। करेगा रिपेल, कितना फोर्स काम करेगा? 9×10^9 करेगा, 9×10^9। ये चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। ये चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। और इनके बीच का सेपरेशन कितनी है? 2r² आगे समझ में? इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने बताओ क्या बताया आप लोगों को? टोटल फोर्स। अब बताओ इस पर टोटल फोर्स कितने काम कर रहे हैं? दो। दोनों की डायरेक्शन इधर है इधर, तो दोनों को जोड़ दो आप, ठीक है। तो ये बन गया 9×10^9 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9×10^9 कैपिटल क्यू स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 4r² इक्वल टू जीरो। बताओ मैंने दोनों को जोड़कर इक्वल टू के जीरो क्यों रख, मतलब जीरो के इक्वल क्यों रखा इसे? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल फोर्स निकालने के बाद में उसे जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। और टोटल फोर्स कैसे निकाला हमने? दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों को जोड़ दिया और जीरो के इक्वल रख दिया। अब बताओ जीरो में क्या क्या पहुंचेगा यहां से? ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और क्यू भी कॉमन है। क्यू, ये और ये कॉमन लेकर जीरो में पहुंच जाएगा, यहां क्या बचेगा? स्मॉल क्यू। अरे भाई बचेगा, ये भी खत्म यहां से, ये भी खत्म यहां से, क्यू स्क्वायर है ना, एक क्यू जीरो में चला गया, क्या बचा हमारे पास में? कैपिटल क्यू अपॉन में क्या है? 4 = q/4 को उधर ले जाओ, आंसर कितना आ गया? q = -q/4। बताओ यही प्रूव करना था या नहीं था? स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय फोर। आगे समझ में? 2 marks में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, करिए नोट डाउन फटाफट। पहले मुझे ये बता दो कि समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा से बता देंगे। सबको आ गया? आ गया। दोनों को ऐड क्यों किया? सेम डा। अगर ऐसा होता कि एक इधर होता और एक इधर होता, पहले दोनों को माइनस करते फिर जीरो के बराबर रखते। अगर ऐसा होता कि एक इधर होता इधर और एक ऊपर होता, पहले उन दोनों का रिजल्टेंट निकालते। क्या निकालते? जो रिजल्टेंट आता फिर उसे जीरो के इक्वल रखते। समझ में आ रही बात? ध्यान रखिएगा आप लोग।
हमने कुछ नहीं लेट किया भाई, उसने दे रखा है सब हमें। नहीं उस पर निकाल रहे हैं ना, ले लो इस तरफ, क्या फर्क पड़ेगा, निकाल किस पे रहे हो आप। इसकी वजह से यहाँ निकाल रहे हो तो इधर ये इस तरफ रिपेल करेगा, इसकी वजह से यहाँ निकाल रहे हो ये इधर रिपेल करेगा। किस पर निकाल रहे हो आप, इस पर निकाल रहे हो ना, तो दोनों फोर्स इसी के लोगे आप, समझ में आ रही बात। एंड तो हमने यही पकड़ा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐड करके जीरो के इक्वल रख दिया। ये दो इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन पर हम निकाल थोड़ी रहे हैं, हम जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसी की तो हम टोटल फोर्स की बात करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, कहना क्या चाह रहे हो बताओ। किस पे इस साइड कैसे आ जाएगी बेटा, प्लस प्लस रिपेल नहीं करेंगे क्या एक दूसरे को, तो इस साइड कैसे आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं लेट किया भाई, दे रखा था मुझे यहाँ पर, मैंने कुछ लेट नहीं किया है, वो तो बाद में अपने आप आ जाएगा माइनस जाकर, समझ रहे हो, माइनस अपने आप आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं लेट किया अपनी तरफ से, मैंने एक अननोन चार्ज क्यों मान लिया है वहां पर। हाँ साइन पॉजिटिव लेट करके चलना उसका कि भाई पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव रहा भी होगा तो बाद में अपने आप आ जाएगा, ठीक है ये। अरे आ गया भाई समझ में। अरे यार ये तो कॉमन सी बात है बिल्कुल, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर तुम थ्योरी के अकॉर्ड उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना जाओ, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस प्लस में क्या काम कर रहा होगा, रिपल्शन, और अगर उन्हें इक्विलिब्रियम में लेकर आना है तो उनके बीच में एक माइनस ला के रखना पड़ेगा, जब तो उनका रिपल्शन अट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। नहीं उसकी वैल्यू निकालने के लिए बस मैंने उसे माइनस दिखाया नहीं, मैंने उसे स्मॉल क्यू ही दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि आंसर में अपने आप माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके एनी डाउट, पढ़ूं आगे, सबको समझ में आ गया ये, ठीक। चलिए भाई देखिए, ये भी हमारी एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। देखो क्या है प्रॉब्लम, जरा देख लो ध्यान से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, और इनके बीच में फोर्स काम कर रहा है इतना, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। एक चार्ज दिया है 0.4 माइक्रो कूलम्ब, दूसरा चार्ज दिया है -0.8 माइक्रो कूलम्ब, और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, पहले बताओ इनके बीच में फोर्स कैसा काम करेगा, ये क्या है और वो क्या है, पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हमारा नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव किस तरफ आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आएगा, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना है, 0.2 न्यूटन। पहले मैं आपको दूसरे वाले का आंसर बता देता हूं, पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का एकदम से आंसर निकल जाएगा, वो ये है, ये पहले वाला दूसरे वाले पर जितना फोर्स लगाता है बिल्कुल उतना ही फोर्स दूसरे वाला पहले वाले पर अप्लाई करता है। अगर पहले वाले ने दूसरे वाले पर 0.2 न्यूटन लगाया है ना, तो दूसरे वाला भी पहले वाले पर 0.2 न्यूटन ही लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है ना सभी लोगों ने, एवरी एक्शन गिव्स अ इक्वल एंड अपोजिट, बस वही खेल है। ये समझ लो कि ये एक्शन है इधर से, और उधर से क्या मिलना है, रिएक्शन मिलना है, जितना इधर से लगेगा उतना ही उधर से लगेगा, दोनों का रेशो हमेशा 1:1 के इक्वल रहता है, समझ में आ रही बात। तो सेकंड वाले का आंसर तो ये आ गया, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, सेम 0.2 न्यूटन, पहला दूसरे पर जितना अप्लाई करेगा बिल्कुल उतना ही दूसरा पहले के ऊपर अप्लाई करेगा। बताइए क्लियर हो गई सभी लोगों को बात। अब मुझे आप फोर्स का फॉर्मूला बताइए क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये 1/4πε0 को फेंक दो बाहर, क्या है ये, है ना, स्टेप नहीं बढ़ाना है, एक पहला यही लिखना है सीधा, फोर्स इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ q1 q2/r² भाई फोर्स कितना है तुम्हारे पास में, जरा जल्दी से बताओ फोर्स कितना है तुम्हारे पास में, 0.2 9×10⁹, एक चार्ज कितना है 0.4×10⁻⁶, 0.8×10⁻⁶। मैं फिर कह रहा हूं चार्ज में माइनस दे रखा है, लेकिन माइनस तुम्हें यूज करना नहीं है, कभी होशियारी दिखाओ और माइनस का यूज करके वहां बैठे रहो, माइनस यूज नहीं करना है, और हमें निकालना है इनके बीच का गैप यानी आर, ठीक है। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है और कुछ नहीं बचा है, क्या कर पाओगे कैलकुलेशन, आर को कहां ले जाओगे, यहां से आर स्क्वायर को यहां से उठाकर इधर, और 0.2 को इधर, 0.2 यहां
और आर स्क्वायर यहां आ जाएगा, आर स्क्वायर यहां, आर के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस सेवन और माइनस सेवन, माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन और प्लस नाइन, माइनस फाइव आया, माइनस फाइव और एट इंटू फोर कितना हो गया, तीन, अरे एक मिनट रुक जाओ, तीन चार, ठीक है, और कितना आया, टेन की पावर बारह सेंटीमीटर आ रहा होगा, यही आ रहा है ना, लो ठीक है, समझ गए, ये करके दिखाऊं, यार कम से कम कैलकुलेशन की तो उम्मीद कर ही सकता हूं मैं आप लोगों से, कर सकता हूं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.2, एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई, तुम लोग 12 सेंटीमीटर वाले भी क्रॉस चेक कर लो एक बार, 12 पॉइंट तो नहीं आया, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 12 भी लग रहा है सीधा, क्रॉस चेक कर ले भाई एक बार, अरे क्या हो रहा है भाई, अगली बार मैं आंसर भी लिख के लाऊंगा साथ में, ठीक है, यहीं से देख लेना साथ में, समझ चुके हो, जल्दी बताओ कोई परेशानी है तो, पक्का, तो अब आप हमें ये बताइए कि चार्ज तो हमने पढ़ लिया और कूलम्स लॉ का हमने फॉर्मूला भी पढ़ लिया और दो बेसिक सवाल भी हम लोगों ने कर लिए, जितने सवाल करा दिए वो बिल्कुल हर समय तैयार रहने चाहिए अच्छे तरीके से आप लोगों को, फोर्स चूंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इस पर हमारे दो दिन लगेंगे और, दो दिन और लगेंगे, 14-15 दिन है ना हमारे पास में टेस्ट में, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा सब चीज़ों का, चिंता मत करो, लेकिन जितना कराएंगे उतना याद करके रखना अच्छे तरीके से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद है आप लोगों को सही तरीके से, बिल्कुल, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर करके चलते हैं, क्यों करके चलते हैं भाई, अरे इधर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर क्यों करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, क्या आएगी वो आएगी बोलो, डेसिमल में भी आ सकती है, हमें पता नहीं होगा ना बड़े, बहुत बड़े लेवल पर वैल्यू कैसी है, डेसिमल भी हो सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, नहीं तो इसलिए हम इग्नोर करके चलते हैं। बोलो भाई सात्विक, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या होता है, कल च्युइंगम खा के आओगे तो बाहर जाना क्लास से, यहां मत बैठना, ठीक है, बोलो, अबे माइक्रो की बात हो रही है मूर्ख, हाँ क्वार्क में चार्ज फ्रैक्शन में होता है मेरे भाई, पढ़ के नहीं आया तो उसका मतलब यह है, बस च्युइंगम पे ध्यान इधर और किसी चीज पे नहीं है, गधा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बताओ भाई क्या नाम तुम्हारा, आदित्य, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे, मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, वो तो डेफिनेशन तो वो रटी रटाई है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कल वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेशन मैंने बताया था वो याद है ना, पहले दो बॉडी न्यूट्रल हैं, दोनों का टोटल चार्ज कितना है, जीरो, ठीक है, हमने क्या करा दिया, रबिंग, एक पर पॉजिटिव एक पर उतना ही नेगेटिव, दोनों को जोड़ा तब भी टोटल चार्ज कितना है, जीरो, इसीलिए हमने कहा था कि क्या रहता है, कंजर्व रहता है, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज हमेशा हमारा कंजर्व रहता है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो अभी क्या है कि मैंने सारे क्वेश्चन तो आप लोगों के निकाल लिए हैं ये सारे, हाँ बोलो, वो 10^-2 आ जाएगा शायद लास्ट में, तो फिर वो 10^-2 को ना लिख के सेंटीमीटर लिख दिया यहां पर, ठीक है, देख लेना एक बार। तो क्वेश्चन तो हमने सारे आप लोगों के निकाल दिए हैं, फोर्स के ये रहे सब क्वेश्चन मेरे पास में यहां मौजूद हैं। अगली क्लास में हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें मैं आपको ये क्वेश्चन सेंड करूंगा, फिर आप घर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो बस अब दो दिन हम इसे कल और परसों की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स,
चार्ज और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा फिनिश जैसे ही होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को ही गॉस थ्योरम को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे हम लोग, जो गॉस थ्योरम है ना हमारी, क्योंकि गॉस थ्योरम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही काम है, उसके साथ में इसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एंड देन कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो पढ़ के आना बिल्कुल अच्छे तरीके से।